दोस्तों कैसे आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले बहुत ही अहम टॉपिक के बारे में, वो है जो रस खान चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, अगर मैं हमारे एग्जाम इससे तो इस चैप्टर से आने का बहुत कम चांस है, पर आ भी जाए तो उसके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 11 और 18 में पूछा गया है तो 20 में भी आने के चांस है। चांस तो बन सकता है ना भैया, कोई प्रैक्टिस थोड़ी है, एग्जामिनर कुछ भी दे सकता है, तो हमको सब कुछ देखने को पड़ता है। तो रस खान के चैप्टर में क्या किया गया है पहले हम ये बता दें। ये जो है श्री कृष्ण के क्या थे, फैन थे, यानी कि वो उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। यदि आप किसी हीरो के फैन हो तो आप क्या चाहोगे कि हमारे जो लाइफ स्टाइल हो, या तो उसका बॉडी गार्ड बन के रहे, या फिर उसके साथ रहूं, या फिर अगला जन्म जो है मैं सुपर स्टार बन के जन्म लूँ। सो यही बात जो है रस खान जी ने कहा है। सो इसमें जो बहुत ही खास नहीं है, सो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रिज गोकुल गल गाँव की ग्वारन। ठीक है, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नींद नंद के धेनु चमराई, पाहन हो तो वही गिरि को, जो धरायो कर छत्र परवंदल धारण, जो खग हो को बसेरो करो मिली, कांदिली कुल कदम्ब की डारनी। ठीक है, तो इसका संदर्भ आप क्या संदर्भ देख लीजिए। तो प्रस्तुत पद्य रस खान कवि द्वारा रचित सुजान रस खान से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित सवये शीर्षक से अवतरित है। अब ये जो एक बार आपने संदर्भ पढ़ लिया, सो यही संदर्भ आपके लिए क्या है, उपयुक्त सभी रहेगा। इसमें जो इम्पोर्टेंट केवल दो ही है, तो मैं केवल दो आपको दिखा दूंगा इसमें से। तो प्रस्तुत पद्य रस खान कवि द्वारा रचित सुजान रस खान से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित सवये शीर्षक से अवतरित है। ठीक है, विशेष क्या इस पाठ में सही सभी पद्यासों के लिए भी यही संदर्भ प्रयुक्त होगा। इसका प्रसंग क्या है, प्रसंग ऐसा इस प्रकार है कि इस पद्य में रस खान ने पुनर्जीवन में विश्वास व्यक्त किया है और अगले जन्म में श्री कृष्ण की जन्मभूमि ब्रज में जन्म लेने एवं उसके समीप ही रहने की कामना की है। तो व्याख्या क्या है, तो व्याख्या देख लेते हैं। रस खान कवि कहते हैं कि हे भगवान, मैं मृत के आगे मृत के बाद अगले जन्म से यदि मनुष्य के रूप में जन्म लूं, ठीक है, तो एक मिनट विश्वास, ठीक है, तो मनुष्य के रूप में जन्म प्राप्त करूं, तो मेरी इच्छा है कि मैं ब्रजवासी में गोकुल के ग्वालों के मध्य निवास करूं। यदि मैं पशु योनि के जन्म ग्रहण करूं, जिसमें यदि मैं पशु या भी गायों के जो है कि योनि से जन्म ग्रहण करूं, जो कि इसमें मेरा कोई बस नहीं। यदि आप जन्म लेते हैं, आपको पता है अगले जन्म में आप कौन सा जन्म लेंगे या फिर आप क्या बनेंगे, आप नहीं जानते हैं। तो फिर मेरी भी इच्छा है कि यदि मैं ठीक है, मैं मानता हूं कि मेरा जन्म लेना, मैं मनुष्य बनूं कि जानवर बनूं कि गाय बनूं कि घोड़ा बनूं, ये तो मेरे बस में नहीं है। पर मेरी एक और इच्छा है जिसे माना जाए, स्वीकार किया जाए। क्या है वो मैं देख बताता हूँ आपको, कि मैं नंद जी की गायों के बीच, ठीक है, विचरण करता रहूं, यानी कि जो श्री कृष्ण हैं उनकी गाय हैं उनके बीच ही, जो नंद जी हैं उनके बीच ही क्या करूं मैं रहूं, कहीं दूसरी जगह नहीं रहूं, उनके प्रेम व्यवहार उनके साथ रहने की इनकी इच्छा इस पद में जो है व्यक्त की गई है। यदि मैं अगले जन्म में पत्थर ही बनूं बना तो मेरी इच्छा है कि मैं उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं। आप लोग रामलीला देखे, उसे कृष्ण लीला जिसमें बाण आ जाती है और जो श्री कृष्ण है वो अंगुली से क्या कहते हैं, गोवर्धन पर्वत को उठाते हैं, जिसमें सभी ब्रजवासी क्या करते हैं, जाकर छिप जाते हैं या फिर अंदर ही रहते हैं, और क्या होता है कि जो तो आधी तूफान होता है थम जाता है और फिर सभी ब्रजवासी जो है वो से बच जाते हैं। तो वही है कि जब यदि मैं पत्थर बनूं तो जिस अपने इंद्र का घमंड चूर करने के लिए जलमग्न होने से गोकुल ग्राम की रक्षा करने के लिए अपनी उंगली पर छाते के समान उठा लिया था, यदि मुझे पक्षी योनि से भी जन्म लेना पड़ा तो भी मेरी इच्छा है कि मैं यमुना नदी के किनारे स्थित कलदम बेच की सखाओं पर ही निवास करूं। ठीक है, अब अगला इनका जो काव्य सुंदर आप नहीं लिखेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, तो काव्य सुंदर लिखना तो जरूरी है। तो काव्य सुंदर क्या है, तो रस खान कवि के कृष्ण के प्रति असीम भक्ति को प्रदर्शित किया गया है। उनकी भक्ति इतनी उत्कृष्ट है कि वह अगले जन्म में भी सके सके समीप रहना ही चाहते हैं। ठीक है, भाषा क्या है, ब्रज है, शैली मुक्तक है, रस शांत है एवं भक्ति है, छंद सवैया है, अलंकार कालिंदी कुबुंद कालं सॉरी कालिंदी कुल कदम्ब की डारन में अनुप्रास है,
और गुड़ क्या है? प्रसाद। अगला चलते हैं, अगला है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और ये भी जो एग्ज़ाम में पूछा गया है 2 साल पूछा गया है, तो इम्पोर्टेंट तो है, देख लेते हैं एक बार, देखने में क्या जाता है। 5 मिनट का समय लगेगा। 6 नंबर की बात है, धूरी भरे अति शोभित तो श्याम जू, ठीक है, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे आंगन, पग पैजनी बाजत फिर कचोटी, बा छवि को रस खानी बिको बिलोकत, बारत काम काल निज कोटी, काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सुले गयो माथन रोटी। वाह, कितना सजीव वर्णन किया गया है। देखिए, काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सुले गयो माखन रोटी। इस वाक्य को ध्यान से पढ़िए, काग यानी कौवा, इसमें कितना सजीव वर्णन किया गया है। वाह, आप देखिए, आपको बहुत इंटरेस्ट आना चाहिए इस चीज़ों को पढ़ने में, क्योंकि एक स्टोरी की तरह है, आपको देखने में पहाड़ लगता है, पर आपको जब इसको समझने लगेंगे तो आपको धीरे धीरे इंटरेस्ट जागने लगेगा, और आपको भी इसमें क्या आएगा, मज़ा आएगा। तो प्रसंग क्या है, संदर्भ वही सेम रहेगा जो आगे था, कि प्रस्तुत पद्य रस खान कवि द्वारा रचित सुजान रस खान से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित सवैया शीर्षक से अवतरित है। तो इस पद्य में कवि ने बालक कृष्ण के मोहक रूप का चित्रण किया है। श्री कृष्ण के संदर्भ को देखकर एक गोपी अपनी सखी से उसके संदर्भ का वर्णन करती है, कहती है कि हे सखी, श्याम वर्ण के किस धूल से धूसरी है, और जो श्याम है मतलब वो धूल से लसे पने हैं और अत्यंत शोभामान हो रहे हैं। धूल से भी आजकल के तो बच्चे जो है, माता पिता ये सोचते हैं धूल नहीं लगने पाए बच्चे को, लेकिन जो श्री कृष्ण को धूल में ही लिपटे रहने से वो क्या, उनका सौंदर्यता क्या होती है, दुगनी हो जाती है। वैसे ही उनके सिर पर सुंदर ज्योति सुशोभित हो रही है, वे खेलते और खाते हुए अपने घर के आंगन में विचरण विचरण कर रहे हैं, ठीक है, उनके पैर में पायल बज रही है, और वे पीले रंग की छोटी सी धोती पहने हुए हैं। रसखान कवि कहते हैं कि उनके उस सौंदर्य को देखकर कामदेव भी उन पर अपनी कोटि कोटि कलाओं को न्यौछावर कर दिया। वो बता दो, 20 वर्ष पहले के जो कामदेव थे उनको जो है बहुत ही सुंदर माना जाता था। तो हे सखी, उस कौवे के भाग्य का क्या कहना, जब श्री कृष्ण जी क्या कहे थे, माखन रोटी लेकर खा रहे थे, तब तक एक कौवा आया उनके हाथ से माखन रोटी छीन कर लेकर चला गया। तो उसी कहते हैं कि उस कौवे के भाग्य का क्या कहना जो कृष्ण के हाथ से माखन और रोटी छीन कर ले गया। भाग यह है कि श्री कृष्ण की जूठी मक्खन रोटी खाने का अवसर जिसको प्राप्त हो गया वह धन्य है। क्या बात है, उसका कहने का मतलब ये है कि जो कौवा था उनके हाथ से माखन रोटी ले गया छीन कर, जो आधा खा रहे थे, वो जो कौवा है वो भी धन्य है, क्योंकि जो उसे हरि के हाथ का खाने को मिल गया, उनका जूठा खाने को मिल गया, इतना बड़ा धनवान हुआ कौवा है। सो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी, इसका जो देख लेते हैं एक बार, काफ़ी सुंदर काफ़ी सुंदर एक नंबर का था। तो प्रस्तुत आपको बताया मैंने ट्रिक, अगले वीडियो में भी यदि आपको इसमें कुछ नहीं समझ में आता है फिर भी आप कुछ ना कुछ लिख दें, जिससे कि आपको कुछ ना कुछ नंबर मिल जाए, ठीक है। तो काफ़ी सुंदर क्या है, तो प्रस्तुत छंद में श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का, ठीक है, मोहक वर्णन किया गया है। भाषा ब्रज है, शरीर चित्रात्मक मुक्तक है, रस वात्सल्य है, और भक्ति छंद सवैया है। अलंकार पद में अनुप्रास है, जैसे कि बारत काम कला निज कोटि में है, प्रतीप है, गुण क्या है, माधुर्य है। तो आप यदि आपको इसमें नहीं भी कुछ आता है तभी कोई बात नहीं, आप सौंदर्य हेडिंग, काव्य सौंदर्यगत सौंदर्य हेडिंग जरूर डालें, पहला प्रसंग, दूसरा व्याख्या, ठीक है। पहले यदि आप पहले देखिए आपको पहला स्टेप क्या करना है, पहला स्टेप आपको संदर्भ लिखना है, दूसरा प्रसंग, ठीक है, तीसरा आपको व्याख्या, और चौथा काव्य सुंदर, तभी आपको टोटल 6 नंबर मिलेगा। कुछ ना कुछ जरूर लिखें उस वाक्य के बारे में, यदि आपको कुछ नहीं भी आता है तो मैं वीडियो थोड़ा लंबा कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको उसका अर्थ पूरी स्टोरी बताते चल रहा हूँ।